गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग जो है किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है या किन चीज़ों का होना जो है उसमें ज़रूरी होता है। तो उसमें तीन चीज़ें होती है हमारी, एक होता है हमारा ईंधन, दूसरा होती है हमारी ऑक्सीजन और तीसरा होता है हमारा टेम्परेचर। इन तीनों में से हम किसी एक को भी अगर कम कर देते हैं तो हमारी आग जो है वो बुझ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जिसको हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है ABC, जिसको हम तीन तरह की आग के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब आग लगती है तो आपको ये देखना है कि आग जो है वो किस तरह की होती है, कौन सी टाइप की आग लगी हुई है। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम ए टाइप की आग के ऊपर, जिसमें लकड़ी कागज़ वगैरह की आग आती है। सबसे पहले जब कहीं भी आग लगती है, आपके वर्कशॉप में लगती है या किसी कंपनी में आग लग जाती है, तो सबसे पहला जो काम होता है तो उसमें आपने सबसे पहले जो है वो आग पुकारना है, ताकि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो सचेत हो जाएं। आग पुकार के जो है आपने कहीं एक जो इकट्ठा होने के लिए स्थान बनाया होता है कंपनी में या कहीं भी जो हमारी वर्कशॉप होती है वहाँ पर आपने इकट्ठे हो जाना है। और फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे प्रयोग करते हैं इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में जो है वो गैस जो है इसके अंदर जो है वो भरी हुई होती है, और कई जो बड़े टाइप के सिलेंडर होते हैं उसमें जो है एक अलग से एक सिलेंडर जो है इसके अंदर बना हुआ होता है। तो इसमें जो है ये एक लॉक पिन होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और जिससे ये इस लॉक पिन से ये हैंडल जो है वो लॉक हो जाता है। इसको हम दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो आग की टाइप के अनुसार जो है फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करना है, और उसके बाद इस पिन को जो है आपने बाहर निकालना है, और इसमें आपने इस गेज के अंदर जो है इसका प्रेशर भी चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो प्रेशर है ये आपका ग्रीन लाइन के आसपास में जो है वो होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो गेज लगी हुई है ये बिल्कुल जीरो के ऊपर चली गई है, रेड लाइन के ऊपर, यानी कि ये लगभग जो है वो आपका ख़त्म है। तो इसको जो है आपने रीफिल करवाना है। जब भी आप इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी में या कहीं अपनी वर्कशॉप में देखें तो उसको जो है वो रीफिल कराएं। ये गेज जो है आपकी हरी लाइन के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो चला के देखेंगे। हमारे पास एक और भी फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको हम अगर ये नहीं चलता है तो हम उसको लगा के जो है वो देखेंगे कैसे हमने। तो हमने ये पिन जो है वो सबसे पहले जो है वो बाहर निकालनी है। कई टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में जो है वो यहाँ पर एक क्लिप सा लगा होता है, जिसको हम इसको दबाने के बाद भी अगर हम इसको पिन को निकाल लेते हैं और इस प्लास्टिक के लीवर जैसा जो है इसके बीच में लगा हुआ होता है यहाँ पर, उसको अगर नहीं निकालते हैं तो भी ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो दबता नहीं है। तो अभी ये यूज करने के लिए जो है वो रेडी है। तो हम जो है वो अभी आग जला के रख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है वो इसका यूज़ करके देखेंगे। इसके अंदर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरह से होती है। ये किसी और सिलेंडर का मैंने आपको खोल के दिखाया है। यहाँ पर एक सिलेंडर, ये स्प्रिंग होता है, यहाँ पर आपको एक पिन दिखाई दे रही है। ये पिन जो है इस ऊपर वाले भाग में जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसकी हमने पिन खोल ली है, और ये पिन जो है वो अप डाउन करती है। जैसे हम इस क्लिप को दबाते हैं तो ये पिन जो है वो नीचे जाती है, और नीचे जाके इस सिलेंडर के इस भाग में नीचे पे यहाँ पर जो सील होती है उस सील को जो है ये पिन जो है वो प्रेस करती है, जिससे वो सील जो है वो टूट जाती है, और यहाँ से आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये जो हॉस पाइप लगी हुई है, ये हॉस पाइप जो है वो इस भाग में लगी हुई होती है। जैसे ही वो सील जो है वो क्रैक होती है तो यहाँ से प्रेशर के साथ जो है वो आपका पाउडर जो है वो बाहर निकलता है। तो यूज़ करके देखते हैं। अभी हम जो है वो आग लगा रहे हैं लकड़ी में, और फिर जो है हम इसको यूज़ करके आपको बताएंगे।
तो हमारी आग जो है वो यहाँ पर जल चुकी है और अभी हम आपको यूज़ करके बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रिकॉशन आपने ये रखना है कि जिस साइड की हवा चली हुई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपने खड़ना है। अगर हवा जो है वो आपकी इस साइड में आ रही है तो आपने जो है वो परली साइड से जो है वो उसको यूज़ करना है, नहीं तो ये हवा से जो है वो पाउडर जो है वो आपके ऊपर आ सकता है। तो इस तरह से आपने ये हॉस पाइप जो है वो पकड़ लेनी है और इस क्लिप को जो है वो प्रेस करना है। तो इसको जो है आपने तो आप देख सकते हैं कि ये आग जो है वो बुझ गई है। तो इस तरह से हम पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके जो है वो आग को बुझा सकते हैं। तो इसमें प्रिकॉशन मैंने यही आपको बताई थी शुरू में कि एक तो आपने गैस सिलेंडर के अंदर जो है वो गेज में प्रेशर चेक करना है और वो अगर प्रेशर जो है वो अगर ख़त्म हो गया है तो उसको जो है आपने रिफ़िल करवाना है और पिन को कैसे निकालना है उसको कैसे प्रेस करना है ये आपने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।